Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Geht alles gut bei euch? Dear friends, कैसे हैं आप सब लोग? German compound nouns. ये क्या होते हैं friends? यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में. मेरा नाम है जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर. सीखते हैं जहां आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ. आपको सिखाता हूं बड़े ही आसान वे में और शेयर करता हूं इंटरेस्टिंग चीज़ें जर्मनी कंट्री की और जर्मन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जो होती हैं सेशन के एंड में. तो शुरू करते हैं आज का सेशन, दी कंपाउंड नाउन लैंग्वेज और जनरल नॉलेज दोनों एक साथ. लेट्स गो, लेट्स गेट. ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल दी जर्मन मेंटोर. आज का सब्जेक्ट और थीम टॉपिक तो आपको पता लग गया है, जर्मन कंपाउंड नाउन आज हम सीखेंगे. प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको अच्छा लगेगा. देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करके. इस वीडियो को लेके जो है एक टारगेट है, कम से कम 100 सब्सक्राइबर आप लोगों की तरफ से चाहिए और 500 लाइक्स. और कमेंट और शेयर तो बनता ही है, वो आप ज़रूर करिएगा. शुरू करते हैं आज का सेशन. मेरी स्क्रीन पर वेलकम टू दी जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सेलेंस इन हिंदी, जर्मन एंड जर्मनी, यानी लैंग्वेज और जनरल नॉलेज दोनों एक साथ. लेट्स गो, लोस गेट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. टुडेज टॉपिक, तो ये रहा आपके सामने, व्हाट आर कंपाउंड नाउन्स इन जर्मन, जिसे हम डीकंपोजिटा भी बोलते हैं. अब ये होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, डेयर कंप्यूटर प्लस दास स्पील. तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप दो अलग अलग नाउन्स देख रहे हैं, पहला है डेयर कंप्यूटर, दूसरा है दास स्पील. अब देखिए ये दो नाउन्स को जब हम एक कंबाइन कर देंगे तो ये कंपाउंड नाउन कैसे बनता है. तो ये रहा आपके सामने, यह बन गया दास कंप्यूटर स्पील. तो कंप्यूटर और स्पील जब दोनों मिल गए तो ये बन गया कंपाउंड नाउन, कंप्यूटर स्पील. अब लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि डेयर कंप्यूटर का आर्टिकल डेयर है और दास स्पील के आगे दास लगा हुआ है. अब जब ये दोनों मिल गए और ये कंपाउंड नाउन बन गया कंप्यूटर स्पील, अब इसका आर्टिकल क्या होगा. तो जर्मन लैंग्वेज ये बोलती है, जर्मन ग्रामर ये बोलती है, जो सेकंड नाउन है या फिर जो लास्ट नाउन है उसका आर्टिकल लग जाएगा कंपाउंड नाउन के आगे, तो वो आर्टिकल कंपाउंड नाउन का आर्टिकल बन जाएगा फ्रेंड्स. ये जर्मन ग्रामर है, ये रूल है, यही आपको समझना है, यही सीखना है फ्रेंड्स. तो यही चीज़ है जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ. तो ये बन गया दी कंप्यूटर गेम. तो डेयर कंप्यूटर दास स्पील बन गया कंप्यूटर स्पील, और दास स्पील का आर्टिकल लग गया कंप्यूटर स्पील के आगे. तो कंपाउंड नाउन में ऐसा ही रूल चलता है फ्रेंड्स. अब बढ़ते हैं आगे और चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ. देखिए, एज इन इंग्लिश, जर्मन लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ दी एबिलिटी टू बिल्ड दी कंपाउंड नाउन्स. तो ये आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश की तरह जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी कंपाउंड्स नाउन को बनाया जा सकता है. दीज कंपाउंड नाउन्स बींग स्पोकन एंड रिटन एज वन सिंगल वर्ड, जो भी आपने पीछे देखा कि दो नाउन्स को मिलकर एक सिंगल वर्ड बन जाता है. ठीक है, अब देखिए और थोड़ा सा आपको बताता हूँ. दी जर्मन कंपाउंड नाउन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. तो दो नाउन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ये भी क्लियर हो गया. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन इज कॉल्ड द बेस्टिमुंग्स वोट और डिटरमाइनिंग वर्ड. तो जो पहला नाउन होगा उसको जो हम बोलेंगे डिटरमाइनिंग वर्ड या बेस्टिमुंग्स वोट. आगे बढ़ते हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन इज कॉल्ड दास ग्रूंड वोट और प्राइमरी वर्ड. जो सेकेंड नाउन होगा, सेकेंड पार्ट होगा, उसको हम ग्रूंड वोट या प्राइमरी वर्ड बोलेंगे. द आर्टिकल ऑफ द सेकेंड एलिमेंट और नाउन विल बी द मेन आर्टिकल ऑफ कंपाउंड नाउन. जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो सेकेंड नाउन होगा उसका जो आर्टिकल होगा वही कंपाउंड नाउन का आर्टिकल हो जाएगा एज पर जर्मन ग्रामर रूल. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया, डेयर किंडर गार्टन. अब किंडर एक अलग नाउन है, गार्टन एक अलग नाउन है, जो मैंने कलर के साथ डिफाइन किया है. अब देखिए जो किंडर है, डेयर किंडर, ये हो गया आपका दास बेस्टिमुंग्स वोट, जैसा कि ऊपर लिखा है, और जो गार्टन है ये आपका हो गया दास ग्रूंड वोट. तो ये मैंने आपको एक स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश की है जो कंटेंट ऊपर रिटन में लिखा हुआ फ्रेंड्स. तो किंडर गार्टन, तो एक्चुअल में गार्टन जो होता है इसी का आर्टिकल डेयर होता है. अब ग्रामर रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा डेयर किंडर गार्टन. आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी. नहीं समझ में आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं या मुझे कमेंट करिए, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए. सम एग्जांपल्स, डी बाई स्पीलर. कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. डेयर आरबाइट गेबर, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर. तो ये बना डी आरबाइट प्लस डेयर गेबर, तो ये बन गया डेयर आरबाइट गेबर.
तो डेयर गेबर का आर्टिकल है जो डेयर वो लग गया कंपाउंड नाउन के आगे डेयर आरबाइट गेबर एम्प्लॉयर। आगे चलते हैं डेयर आरबाइट नेमर, इसका मतलब होता है एम्प्लॉई, तो इसमें भी डी आरबाइट प्लस डेयर नेमर हो गया तो ये बन गया आपका डेयर आरबाइट नेमर। थर्ड देखते हैं डेयर आउटो फारर, इसका मतलब होता है ड्राइवर, तो ये दो नाउन हो गया आपके दास आउटो प्लस डेयर फारर, तो ये बन गया आउटो फारर, आर्टिकल लग गया फारर का सबसे आगे आउटो फारर के आगे कंपाउंड नाउन के आगे। अब देखिए आगे डेयर ब्रीफ ट्रैगर, इसका मतलब होता है पोस्टमैन, डेयर ब्रीफ प्लस डेयर ट्रैगर, तो बन गया डेयर ब्रीफ ट्रैगर। दास गास्ट हाउस यानी कि गेस्ट हाउस, तो ये बना है डेयर गास्ट प्लस दास हाउस, तो बन गया दास गास्ट हाउस। आगे चलते हैं डेयर हाउस बेसिजर यानी कि होम ओनर, दास हाउस प्लस डेयर बेसिजर, तो ये बन गया डेयर हाउस बेसिजर होम ओनर। लास्ट देख लेते हैं डी आबेंट शूलर नाइट स्कूल, तो ये बना डेयर आबेंट प्लस डी शूलर, तो कंबाइन करके क्या बन गया डी आबेंट शूलर। तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक तो बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया कि दो नाउन्स को जोड़ दो कंबाइन कर दो और जो सेकंड नाउन है उसका आर्टिकल लगा दो कंपाउंड नाउन के आगे। यहाँ तक तो बड़ा क्लियर था, सबको समझ में आ जाता है। अब सेशन अलग स्टार्ट होगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कंपाउंड नाउन जब मिलते हैं तो उनके बीच में कुछ अल्फ़ाबेट्स कुछ एलिमेंट्स लगाए जाते हैं। अब ये चीज़ आपको सीखनी है फ्रेंड्स, ये तो आसान पार्ट था, अब बढ़ते हैं आगे, मैं आपको वही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, तो अब ज़रा ध्यान से देखिए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। देखिए सम अदर कंपाउंड नाउन रूल्स डी बाइस्पील यानी कि दी एग्जाम्पल, वेन टू नाउन्स कंबाइन टूगेदर समटाइम्स वी नीड टू पुट एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बिटवीन टू नाउन्स। अभी जो मैं आपको बताया, जो क्लियर किया कि दो कंपाउंड नाउन के बीच में कुछ अल्फ़ाबेट कुछ एलिमेंट्स लगते हैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड डी फूगर, इसका मतलब होता है जॉइंट, दोनों जो नाउन्स होंगे उनको जॉइंट करने के बीच में जो अल्फ़ाबेट होगा उसको हम बोलते हैं डी फूगर। इन दिस सिचुएशन वी कैन प्रिडिक्ट दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट। अब वो कैसे प्रिडिक्शन की जाती है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत काम की चीज़ अब आपके सामने आने वाली है आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहला रूल क्या कहता है, एड एन ई जो होता है ए जर्मन में इन बिटवीन टू नाउन्स व्हेन द प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट नाउन इज ऑलरेडी हैविंग ई। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये बनता है कि दो नाउन्स के बीच में आपको ई लगाना है, ए लगाना है, उस केस में जब फर्स्ट नाउन के प्लूराल फॉर्म में उसके एक्चुअल प्लूराल फॉर्म में ऑलरेडी ई होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए डी माउस फालर, अब इसमें दो हैं, दो आपके नाउन हैं माउस और फालर, इसका मतलब बनता है माउस ट्रैप, आप विद इन ब्रैकेट्स देख भी सकते हैं। देखिए जो पहला जो नाउन है माउस, डी माउस होता है ये एक्चुअल में, अब इसका जो प्लूराल फॉर्म होता है ना देखिए वो होता है डी मॉइज़र, तो जब एक्चुअल नाउन के एक्चुअल प्लूराल फॉर्म में ऑलरेडी ई होगा, ये फर्स्ट नाउन की बात कर रहा हूँ, जब ऑलरेडी ई होगा तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स के बीच में आपने ई लगा देना है, ये हो गया आपका पहला रूल। एक एग्जाम्पल और देखिए, डी हुंड ह्यूटर यानी कि डॉग हाउस, अब देखिए अब हुंड हो गया आपका फर्स्ट नाउन, ठीक है, ये एक्चुअल में होता है डेयर हुंड, अब डेयर हुंड का जो एक्चुअल प्लूराल फॉर्म होता है डी हुंड, अब इसके पीछे ई है तो ये रूल आपका लग जाएगा हुंड ह्यूट के बीच में ई, ओके, ये भी आपको क्लियर होगा, हो गया होगा, आई होप सो। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, दास हुंड फूटर डॉग फूड, तो सेम चीज़ है, डेयर हुंड सिंगुलर डी हुंड प्लूराल, तो प्लूराल फॉर्म में जो है ई है तो हुंड फूटर के बीच में आपने ई लगा देना, क्योंकि ये जर्मन ग्रामर रूल बोल रहा है जो आपने फर्स्ट नंबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखा जो सीखा। अब चलते हैं आगे, अब और दूसरे एलिमेंट्स और वो देखते हैं अल्फाबेट्स जो ऐड होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए सेकंड जो रूल है, ऐड एन ई आर इन बिटवीन टू नाउन्स व्हेन द फर्स्ट नाउन इज मास्कुलिन डेयर और नोइत्रुम दास एंड देयर प्लूराल फॉर्म एंड्स विद ई आर, इसका मतलब ये है कि जब दो कंपाउंड नाउन्स के बीच में आपने ई आर लगाना है, कब, जब पहला नाउन मास्कुलिन हो या नोइत्रुम हो और उनके प्लूराल फॉर्म के एंड में ई आर आता हो, ठीक है, कैसे, देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, डेयर किंडर गार्टन, इसका मतलब होता है प्ले स्कूल, आपको तो पता ही है प्ले स्कूल जो बच्चों का होता है, तो इसमें देखिए दास किंड जो पहला नाउन है दास किंड, अब उसके एक्चुअल प्लूराल फॉर्म में ई आर आता है डी किंडर, तो
तो अब यहाँ पे रूल एज पर रूल क्या बन गया, डेयर किंडर गार्टन। तो किंड तो है ही, उसके पीछे आपने ईयर लगाना है और गार्टन, क्योंकि ये रूल ऐसा है फ्रेंड्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, डेयर बिल्डर रामन, यानी कि फोटो फ्रेम। तो इसमें नाउन क्या है, दास बिल्ड, जो पहला नाउन है दास बिल्ड। अब उसका प्लूराल क्या होता है, डी बिल्डर। तो उसी तरीके से ये बन जाएगा डेयर बिल्डर रामन, यानी फोटो फ्रेम। तो ये आपका हो गया सेकेंड रूल कंपाउंड नाउन के केस में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारे स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं थर्ड, देखते हैं थर्ड रूल क्या होता है, एड एन एन इन बिटवीन टू नाउन्स व्हेन द फर्स्ट नाउन इज फेमिनिन डी एंड इट्स प्लूराल फॉर्म एंड्स विद ई एन। ऊपर था मैस्कुलिन और नॉइथ्रूम, अब थर्ड रूल में आ गया फेमिनिन। ठीक है, तो दो नाउन के बीच में आपने एन लगाना है, कब, जब पहला नाउन जो है उसके प्लूराल फॉर्म के अंदर ई एन आता हो। कैसे, देखिए, डेयर कैटन राउखर, यानी कि चेन स्मोकर। तो डी कैटर हो गया आपका मेन नाउन, तो इसका प्लूराल क्या बनता है, डी कैटन। तो यहाँ पे बन गया डेयर कैटन राउखर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डेयर बिर्नन बाउम, यानी पियर ट्री। तो फर्स्ट नाउन है यहाँ पे डी बिर्ने, और इसका प्लूराल क्या बना, डी बिर्नन। तो आपका कंपाउंड नाउन क्या बन गया, डेयर बिर्नन बाउम, और बीच में जो है एन लग जाएगा, क्योंकि ये थर्ड रूल है हमारा। ओके, तो आप बड़े आराम से स्क्रीन पर देखिए और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको फोकस करके सुनिए। अब चलते हैं आगे, फोर्थ रूल देखते हैं, एड एन एस इन बिटवीन टू नाउन्स व्हेन द फर्स्ट नाउन एंड्स विद ऊ एन गे, जिसे हम बोलते हैं ऊंग, हाइट, काइट। तो किसी भी नाउन के अंदर ये तीन एंडिंग होंगी फर्स्ट नाउन के उसके उसमें, तो आपको बीच में एस लगाना है। कैसे, देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पे डी आंस्टेलुंग्स आगेन टूअर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे जो पहला नाउन है वो है डी आंस्टेलुंग, ओके, जो मैंने पर्पल कलर में लिखा हुआ है आपके लिए, और बीच में एस लगाना है, क्योंकि आपका जो रूल है कि जिस भी नाउन के लास्ट में ऊ एन गे उंग आएगा तो वहाँ पे एस लग जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। सेकेंड देखते हैं, डेयर फ्राइहाइट्स काम्फ, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल। तो पहला नाउन यहाँ पे क्या है, डी फ्राइहाइट। तो इसके जो लास्ट में देखिए हाइट लिखा हुआ पर्पल कलर में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी फ्राइहाइट्स काम्फ, और बीच में लग जाएगा एस। तो ये आपका हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड देखिए, दास जिश बार खाइट्स प्रॉब्लम, यानी कि विजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो पहला नाउन यहाँ पे क्या है, डी जिश्ट बार खाइट, तो यहाँ पे लग जाएगा एस, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है। तो ये बन गया आपका कंपाउंड नाउन, दास जिश्ट बार खाइट्स प्रॉब्लम। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का लैंग्वेज कंटेंट, छोटा पार्ट था, छोटा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, कंपाउंड नाउन्स कई बार हमें नहीं पता होते हैं रूल क्या होता है उनका। हमें ये तो पता होता है कि दो नाउन्स को मिला दो कंपाउंड नाउन बन गया, लेकिन रूल्स हमें नहीं पता होते हैं, जो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की फ्रेंड्स। तो बड़ी मेहनत लगती है सेशंस को बनाने में, सारा कंटेंट ढूंढने में और बनाने में, तो इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ आप लोगों के सब्सक्राइब करने का। तो ये था लैंग्वेज कंटेंट। अब चलते हैं आगे मेरे फेवरेट कंटेंट में, जहाँ मैं आपको जर्मनी में लेके जाता हूँ, जर्मन की चीज़ को ही शेयर करता हूँ, किसी अचीवमेंट के बारे में या जर्मन कंट्री की कोई इन्वेंशन के बारे में। चलिए लेट्स गो। तो ये रहा आपके सामने मॉडर्न टैक्सी मीटर। तो फ्रेंड्स आप लोग अक्सर टैक्सी यूज़ करते होंगे, कैब यूज़ करते होंगे, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया ये जो टैक्सी मीटर होता है ये कहाँ इन्वेंट हुआ? तो आज आपको जानने को मिलेगा कि ये जो टैक्सी मीटर है ये देने वाला जो कंट्री है वो जर्मनी ही है फ्रेंड्स। तो ये जर्मनी कंट्री ने ही हमें दिया था, और कितनी बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, इन्वेंटेड बाय फ्रीडरिश विलहेम गुस्ताव ब्रून इन 1891, कितने साल पहले इन्होंने हमें दे भी दिया था। कई बार जापानीज लोग भी इसको क्लेम करते हैं, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये जर्मनी कंट्री के अंदर ही इन्वेंट हुआ था 1891 में। और ये जो पर्सन थे ये बाय नेशनलिटी जर्मनी के थे, प्रोफेशन इनका था बिजनेसमैन थे, और इनकी कंपनी थी वेस्टर्न डार एंड पीपर हामबुर्ग, ये इनका नाम था कंपनी का जिसके ये ओनर थे। तो इनका बर्थ हुआ था November 11, 1853 ल्यूबेक जर्मनी में, और डेथ हुई थी 1927 बर्लिन जर्मनी में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसपास हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती कि इनके जो इन्वेंटर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मन कंट्री से हैं, जर्मन लोग हैं जिन्होंने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि लैंग्वेज के साथ साथ आपको उन लोगों के बारे में भी बताऊँ जो जर्मनी कंट्री से जुड़े हुए हैं और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, सो दैट आपका एक मोमेंटम और एक इंटरेस्ट बना रहे लैंग्वेज के अंदर।
आई नो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के अंदर टाइम तो लगता है, कई बार बोरियत हो जाती है, तो इस बोरियत को दूर करने के लिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लैंग्वेज और जनरल नॉलेज दोनों साथ साथ चलते रहें फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और इसको आगे सपोर्ट करिए आगे बढ़ाने में फ्रेंड्स। तो लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आने वाले सेशन में भी जल्दी मिलूंगा आपको लैंग्वेज और जनरल नॉलेज पार्ट के साथ। अभी कोरोना चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जमन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल पे, जहाँ नज़र आता हूँ मैं जतेंद्र सिंह आपका होस्ट। और जर्मनी में आपसे बोलूँगा एज यूजुअल बिस पाल च्यूज चाओ ऑबिडिजेन बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड टाइम थैंक यू सो मच।